सर क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज मुंब्रा शहर में इस कानून को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और आप भी आज यहाँ पर आए हैं महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, तो इस कानून को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कानून को लेकर हमको जो कहना है एहतजाज की शक्ल में हम लोग कह रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग इस तहरीक को या ये जो एहतजाजी जो हमारा जो भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसको बिगाड़ने की, इसको ख़राब करने की अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सियासी तंजीमें इसके पीछे, मैं आपको बता दूं, यकीन जानिए कि कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त इस तहरीक को बिल्कुल नहीं चला रही है। ये सिर्फ हमारी कौम के बच्चों ने, खास करके नौजवानों ने और औरतें ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया, वो घर से निकली हैं। तो ये तहरीक कामयाब होगी, हमारी बात पहुंचेगी और तब तक कोशिश जारी रहेगी जब तक उन कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जाए। सर, जिस तरह से शाहीन बाग है उस प्रोटेस्ट को लगातार जो है दबाव डाला जा रहा है, ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिलाओं की जो हिम्मत है वो उसी तरह से कायम है और महिलाएं इस प्रोटेस्ट कर रही हैं, सरकार से अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रही हैं। मुझे शेर याद आ रहा है कि मत पूछ मेरे सब्र की वसवत कहाँ तक है, सता के देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक। तो ये जी, कोई भी बड़ी कुर्बानी जो है ये इतिहास है, कोई भी चीज़ तब तक बड़ी नहीं होती जब तक उसमें बड़ी कुर्बानियां नहीं दी जाती। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारी, मतलब ये बहुत ताज्जुब खेज बात है कि जिस तरह से हमारे, मतलब एक हमारी जो ट्रेडिशन रही है, जो इस्लामिक ट्रेडिशन रही है कि औरतें जो पीछे रही है, पर्दे में रही है, मर्द द मेल मेम्बर ऑफ द फैमिली ही लीड्स द टीम फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन आज औरतों ने महास पर आकर आगे बढ़कर जो है काम कर रही हैं, तो ये बड़ी बात है। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले, मैं आपको बताता हूँ कि किसी तरह से डीमोरलाइज, मतलब एक ये भी बात निकली कि 500 रुपये देकर जो है ना लेकर वो औरतें आके बैठी हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 500 रुपये में अगर औरतें बैठी हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, 5000 देकर अपनी तरफ कर लीजिए, आप लोग ट्राई तो करिए, देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। का झटका भी देने की बात है, वो जो नहीं, ये जो जिन्होंने झटका देने की, उनको ऐसा करंट लगा है कि उनका कोई खाता सेविंग में भी नहीं खुलेगा, फिक्स डिपॉजिट भी नहीं बनेगी उनकी। तो देखिए, बातें बहुत होती है, बातें करने से कुछ नहीं होता है, और अंग्रेज़ों ने भी ऐसे बड़े दावे किए थे। तो ये दावे जो है ना इस बात की तरफ इशारा दे रहे, जब आदमी कमज़ोर होने लगता है तो दादागिरी से बात करता है। क्या होता है कि जिस तरह से सरकार का जो रवैया है वो किसी भी तरह से नरम नहीं लग रहा है। एक तरफ जो अमित शाह बुलाते हैं कि 3 दिन का समय देता है कि महिलाएं आए बात करें, और वही जो है नरेंद्र मोदी बनारस में मंच से कहते हैं कि हम अभी भी इस पर कायम हैं। तो क्या इसको माना जाए कि जो है किसी भी तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं सरकार इसको अनदेखा कर रही है? देखिए, कब तक आप अनदेखा करेंगे, क्योंकि ये कोई जाति मफाद के लिए प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारे अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमारे सवाल हैं, कुछ सवाल हमारे जहन में आते हैं कि आप, ये बड़ा आसान है कि ये नहीं, सरकार कह रही है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, सबको मालूम है। आपने बड़ा वाजे किया है, जब आपका आधार, आपका पासपोर्ट जो आप जब किसी विदेशी मुल्क में जाते हो तो वो कहता है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आपका वोटर आईडी जो आपको किसी को चुनने का अधिकार देता है ये इनवैलिड है, आपका आधार, इसके लिए इतनी प्रोसेस हुई, आपकी आई स्कैनिंग हुई, आपकी फिंगर प्रिंट्स वो लिए गए, थंब इम्प्रेशन लिए गए, ये सब इनवैलिड है। आप मुझे बता दीजिए, हम तो शहरों में, हो सकता है कि चलो हम पढ़े हैं, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अक्सर व बेशतर मैं बोलता हूँ मोर देन 50% यही होगा कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स पुराने वाले नहीं मिलेंगे। ये मैं ये बोल रहा हूँ कि नागरिकता देने की जो बात है, क्या हिंदुस्तान में कोई नागरिकता देने का कानून नहीं था? था ना? तो ये प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, ये ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? आप सरकार हैं, आप पावर में, आप ले आइए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है दुनिया भर में, आप सिर्फ 3 मुल्कों से नहीं और भी जगह से लाइए, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा दिल रखता है, बट ये मत कहिए कि इनको नहीं लेंगे बाकी सबको लेंगे, इससे आप मैसेज बहुत गलत दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान ने इस मुल्क को चुना है, इस मुल्क की आज़ादी में कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, जहाँ अगर एक भगत सिंह थे तो वहीं अशफाकुल्ला भी थे, हमारे वीर अब्दुल हमीद थे जिन्होंने तोपों के सामने अपने आप को खड़ा किया, बहुत बड़ी तारीख है हमारी। तो हमको डिस्क्रिमिनेट मत करिए, हमें जो है आप साइडलाइन मत करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं बोलता हूँ मुसलमान बीजेपी से नाराज़ नहीं है, लेकिन ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, आज हमको अलहदा कर रहे हैं, आज आप सिर्फ हमारे साथ, हमारे सरपर्स बन के खड़े हो जाइए कि हम आपके साथ, वील सी टू इट कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। कोई भी पार्टी जो मुसलमानों के सच में हित का काम करेगी, मुसलमान उसके साथ खड़ा रहेगा, बट हमारे नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप लोग काम करिए, बड़ी तकलीफ होती है, हमारे नाम से सिर्फ राजनीति हो रही है।
और जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट इस तरह से जो शाहीन बाग है, भिवंडी में है, मुंब्रा में है, तो महिलाएं जो है महाराष्ट्र के सीएम से जो है काफ़ी उम्मीदें रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है एनपीआर का मामला हो गया या फिर जो है CAA हो गया, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं हरी झंडी देते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है बहुत हद तक, अभी बस खबरें आ रही हैं, ये पसे पड़ता है बहुत सारी बातें, थोड़ी सी क्लैरिटी जब आएगी तो पता चलेगा क्या है। लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। उन्होंने कहा है कि जो है एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है, CAA से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने एनआरसी से कहा है कि एनआरसी हम लागू नहीं होंगे। देखिए देखिए ये तो वही बात है कि नोटबंदी अगर 50 दिनों में अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ ऐसा कर देना, बात लोग भूल जाते हैं। जिस तरह से महिलाओं की उम्मीद है कि सीएम से लगी थी, तो अब उम्मीद अभी हम छोड़ेंगे नहीं, हम हर तरीके से, देखो बयान अभी बहुत आते रहेंगे, बट हमारी मेहनतों से हमारे वोट गए हैं, हमने सरकारें चुनी है, इतना आसान नहीं है। बयान बहुत आएंगे, बयान बदलेंगे भी, बट हम अपना हौसला नहीं बदलेंगे और हम अपनी बात रखेंगे मजबूती से, जो भी संवैधानिक जो हमको अधिकार मिला है पीस के जरिए, प्यार से, सब्र से हम अपनी बात रखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद अल्लाह की जात से। क्या लग रहा है आपको, प्रोटेस्ट के जरिए जो है सरकार भी अपना फैसला बदलेगी क्या, जो कानून ला रही है? देखिए बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये 1, 2, 10 लोगों की बात नहीं है, ऐसे मुल्क का एक, हम सिर्फ 15% नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान, आपने एनआरसी को समझा ही नहीं है। ये जो बात कही जा रही है कि हिंदुस्तानी नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ सिटीजन, तो वो प्रूफ जब करोगे तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रूव ही नहीं कर पाते कि आप यहाँ के नागरिक है, ये जो कैच है लोग भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिछले रेफरेंसेस हमारे पास बड़े खतरनाक है, आपको हमको भरोसे में लेना ही पड़ेगा, आपको कन्विंस करना ही पड़ेगा। हम एनआरसी के भी खिलाफ नहीं, आप उसको इजी कर दीजिए ना, आप आधार को इनवैलिड क्यों कर रहे हैं, आप उसको इतना इजी कर दीजिए ना कि हमको, हम आधार के लिए नहीं गए थे मुसलमान लोग, सारे लोग गए थे ना, आपने उसमें इतनी बड़ी कैच डाली है, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन डाला है जो कि उसको अकम्प्लिश करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये जो है ना इसको आसान कर दीजिए ना, आप आसान कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।